लोग यहाँ पे आए हुए हैं थोंगजू और यहाँ का हम लोग गए हुए उरी और यागी, मतलब कि चाय के बारे में है। जैसे कि हम लोग पीते हैं ना कोई ब्लैक टी या रेड टी ग्रीन टी, उसके बारे में है। और ये बनाया जाएगा फूलों से और बहुत ही अच्छा शानदार तरीका से, हमने इसके बारे में सुना था और आज आप लोगों को बताएंगे और आप लोग यहाँ पर आकर पी सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसा है, आज मैं पीऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि कैसा है और कैसा लगता है। लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे लोग बताते हैं कि यहाँ के ट्रेडिशनल चाय जब पी कर देखिएगा तो बहुत ठीकी होते हैं और बहुत ही अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। तो आइए हम आज आपको दिखाएंगे यहाँ के चाय के बारे में और यहाँ की कल्चर के बारे में कि लोग किस तरह से उसको निकालते हैं और पीते हैं और कैसा लगता है। तो आइए हम चलते हैं और देखते हैं। थैंक यू। अच्छा है, आप जब भी यहाँ पर आए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आकर एकदम ट्रेडिशनल तरह का चाय को आप पी सकते हैं यहाँ पर। और एक प्रकार से बहुत ही पतले और बहुत ही साफ सुथरा चाय है, जैसे हमारे देश में दुर्गा फूल होता है उसी का ये चाय बनाया जाता है। तो आप आइए और यहाँ पर आकर पीते हैं।내 친구들도 여기 남아있어서 우리 꽃 찾지 와서 한번 같이 먹어보도록 하겠습니다. 그러면 또 다음에 다른 또 한방차 집을 방문해서 또 소개해 주도록 하겠습니다. 안녕! 따라서 드시면 색이 변해요. 아, 그래요? 화학 반응을 일으켜서. 여성 모든 질환에도 좋다고 해요. 맨들 아니에요. 너무 맛있어요.